अजीब अजीब चीजें होती हैं रे भाई, अजीब अजीब एक्टर लोगों के साथ। पहली अजीब सी बात, शिल्पा शेट्टी। हाँ शिल्पा शेट्टी, एक जमाने में इनका नाम सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ जोड़ा गया, बहुत सारी गॉसिप वॉसिप हुई, लेकिन साहब अक्षय कुमार इनकी लाइफ से दूर हो गए, पर राज कुंद्रा इनकी लाइफ में आए। दरअसल शिल्पा शेट्टी का नाम आदमी से नहीं तारीख से जुड़ना चाहिए था। अक्षय जी का बर्थडे आता है 9 सितंबर को, राज कुंद्रा का बर्थडे भी 9 सितंबर को आता है। हाँ अजीब सी बात है। अपने बैंग बैंग वाले हीरो हैं ना, क्रिश ऋतिक रोशन, एक्शन के अंदर इनको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम थी इनको बचपन में। रुक रुक के बोलते थे, किरण का रोल इनसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता था। स्कूल में लोग इनकी खिंचाई किया करते थे और फिर इन्होंने ट्रेनिंग ली ऋतिक रोशन ने स्पीच की, ताकि कोई इनकी खिंचाई ना कर सके। और अब देखो भाई की डायलॉग डिलीवरी, वाह 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 वाह। सोचिए अगर करीना कपूर लॉयर बनती तो क्या होता, कुछ ऐसा ही होने वाला था। मुंबई की यूनिवर्सिटी में बेबो बोले तो करीना कपूर ने वकालत के कोर्स में एडमिशन ले लिया था। मेरे काबिल दोस्त सैफ अली खान ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और इसी बात पे बार बार वो करते हैं वाओ माय लॉर्ड वाओ। पर बहुत जल्द करीना कपूर ने अपना मन बदल लिया और एक्टिंग का दामन थामा। सोचिए कोर्ट के अंदर अगर करीना कपूर जिरह कर रही होती तो कैसा होता, बॉलीवुड का तो नुकसान होता, कोर्ट का मालूम नहीं। बाबा इनको खब्बू बोला जाता था, समझा जाता था कि जो उल्टे हाथ से लिखता है ना वो थोड़ा अजीब होता है, पर इस आदमी ने सारी अजीब बातों को दूर कर दिया। एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से एक ही स्पीड पे लिख पाता है, सब्यसाची है जी। कृष्ण ने बोला था अर्जुन को सब्यसाची क्योंकि वो दोनों हाथों से धनुष बाण चला सकते थे और ये दोनों हाथों से लिख सकते हैं। नाम है इनका अमिताभ बच्चन, सिक्का भी ऐसा रखते हैं जिसके दोनों पहलुओं पर इनका अधिकार है। ये है अमिताभ बच्चन साहब, लेफ्टी राइटी दोनों। ऐसी और भी बड़ी अजीब बातें बॉलीवुड के स्टार्स के बारे में आप तो पहुंचेंगे इसे पेज 3 रिपोर्टर पे। हाँ देखते रहना।